हेलो आप, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ पीयूष एंड यू आर लुकिंग माय चैनल हॉस्पिटैलिटी तक। आज की इस वीडियो में ना बताने वाला हूँ कि देखो, मेरे पास ना फ़ोन तो है लेकिन फ़ोन में सिम नहीं है। यहाँ के हिसाब से सिम है वो इंडियन सिम है और यहाँ पे वो चल नहीं सकती है, तो मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही है। ऑल दो यहाँ पे सारी जगह वाईफाई लगे हुए हैं, बस में, स्टेशन पे, होटल्स में, काफ़ी मैक्सिमम ऑफ जगह पे तो वाईफाई लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कॉल नहीं कर पा रहा किसी को और इंटरनेट प्रॉब्लम। तो मैं हूँ अभी एस्पिन, कोलोराडो, अमेरिका, US। तो गाइस, मैं ना सिम लेने जा रहा था, सोचा कि इससे भी वीडियो बना देता हूँ। ये है आपका जनरेशन एस्पिन, यहाँ जाके पूछते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, डू यू हैव सिम कार्ड? नो, आई डोंट। दैट्स द सिटी मार्केट? यू कैन ट्राई सिटी मार्केट, मेबी दे डू। वेयर इज द सिटी मार्केट? Two blocks down on to your left. Two block? Mm-hmm. All right. Thank you. यहाँ पे तो मिला ही नहीं है सिम, पता नहीं कौन सा रास्ता बताया है इन्होंने। टू ब्लॉक स्टार। हेलो सर, लाइव स्ट्रीम यूट्यूब? यस यूट्यूब सर। व्हाट्स योर नेम? एरिक। मिस्टर हैक, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। व्हाट डू यू डू? एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ सिम, आई एम जस्ट अराइव्ड फ्रॉम इंडिया। ओह नाइस। आई एम लुकिंग फॉर अ सिम कार्ड। ओह, फॉर अ सिम कार्ड। वेयर शुड आई गेट द सिम कार्ड? Where you speak, Rosa? Radio, if not, downtown? It's on Main Street. And they have all the electronics downstairs. What is it called? Miners Building. Which building? Miners. Miners. Building, and it's on Main Street. All right. And where's the city market? A lockdown. Lockdown, just straight down right here, yeah. City so market. Someone told me that you can check in the city market as well. Oh yeah, you can probably. Then I'll go to the Miners Market. Right. Miners. Thanks. Yeah, thanks for the information. Yeah, thank you. So guys, ये information हमें यहाँ से मिली है। उन्होंने बोला है कि या तो सिटी मार्केट में चेक कर लीजिए और या फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं उधर कोई शॉप बताइए उधर की साइड में। चलो देखते हैं, मिलती है तो मिलते हैं, देखते कहीं तो मिलेगी यार। घूम लिया मैं काफी जगह, वहां तो मुझे मिली नहीं है। ये सिटी मार्केट है, यहाँ भी एक बार पूछते हैं, चेक करते हैं। और भाई अगर यहाँ नहीं मिले तो बहुत मूड खराब होने वाला है, बता रहा हूँ। इतना पैदल नहीं चला जाएगा मुझसे। यहाँ भी नहीं मिली, आगे चलते हैं। चलो ये ना, यहाँ पे एक वॉलमार्ट है, दूरते दूरते मैं यहाँ पे आया हूँ। देखो अगर यहाँ सिम मिलती है तो बेटर रहेगा। ओहो, फाइनली फाइनली AT&T प्रीपेड ये सिम मुझे मिली है यहाँ पे। इसको ना इंडिया का एयरटेल बोलते हैं, मतलब ये अच्छी सिम है, फीडबैक बहुत अच्छा है इसका। इंडिया में लाइक एयरटेल, यूनाइटेड स्टेट्स में AT&T, मतलब AT&T हर जगह चलती है। तो यही ले लेते हैं, पूछते हैं कितने का है। इसमें तो लिखा है $9, टैक्स लग के $10 कुछ की पड़ेगी है। यही लेके चलते हैं, बाकी एक्टिवेट करते हैं फिर। आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये बतानी है कि मैंने ना सिम तो ले ली AT&T, जो कि अमेरिका में हर जगह रीच करता है, हर जगह उसकी पहुंच है। अब ये सीन क्या है, जो AT&T की सिम कार्ड है मैं लेके आया वॉलमार्ट से, ये जो है नहीं ये वाला, ये मैं सिम कार्ड लेके आया वॉलमार्ट से, ये जो सिम कार्ड है मैं वॉलमार्ट से लेके आया। ये मैंने इंटरनेट से ही इसको वाईफाई के द्वारा इसका एक्सेस करा के इसकी साइट पर गया और इसको मैंने ना लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मुझे क्या पता चलता है कि जो मेरा जो फ़ोन है वो था OnePlus का। अब जो AT&T का फ़ोन है उसमें एक्सेस ही नहीं करता, सपोर्ट ही नहीं करता। हाँ, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी चाइनीज़ फ़ोन होते हैं सैमसंग और आईफोन को छोड़ के, जो AT&T का सिम कार्ड है वो ना ओप्पो में, ना OnePlus में, ना रेडमी में, किसी में सपोर्ट ही नहीं करेगा।
तो अबाउट $50 मैंने ही वेस्ट कर दिया बिना बात के, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो यूज हो नहीं सकता ये वाला सिम। उसके बाद मैंने रिसर्च किया और मैंने अपने एक दोस्त की सिम जो कि टी मोबाइल यूज़ करता है, टी मोबाइल, तो मैं टी मोबाइल के स्टोर पे गया, वहाँ मेरे को एक उन्होंने डमी सिम दी, तो मैंने अपने फ़ोन में चलाई तो वाली सिम चल गई। मतलब फिर मैंने AT&T की सिम निकाल के टी मोबाइल का सिम लिया। तो मेरे को ये बताना है कि अगर आप लोगों के पास भी कोई चाइनीज़ फ़ोन है तो AT&T सिम आप ना खरीदें। US में आके टी मोबाइल सपोर्ट करता है और टी मोबाइल का चार्ज होता है $10, तो वो आपसे सिम का लेते हैं, और $40 हर महीने का रिचार्ज लगता है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग टू US एंड डाटा होता है 10 GB पर मंथ। उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि आपके पास हर जगह वाईफाई का एक्सेस होता है, तो 10 GB काफ़ी रहता है। तो यही बताना था कि अगर आपके पास चाइनीज़ फ़ोन वगैरह है तो आप AT&T की सिम ना लें, आप जाएँ टी मोबाइल की तरफ। बाकी और भी सारी सिम कंपनी है उसका मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो टी मोबाइल भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छी, हर जगह उसका भी नेटवर्क है। और यही था, देखो चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियोस को, और मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव नई वीडियो में। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।